नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट में लिए गए अहम प्रस्तावों पर लगाई गई मोहर की। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उत्तराखंड सरकार अब धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था और संगठन के खिलाफ काफी सख्त हो गई है। कैबिनेट में इसके खिलाफ एक नए अधिनियम के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है, जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। कैबिनेट बैठक में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और पुलिस घुड़सवार दल की सेवा नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूकॉस्ट के सातवां वेतनमान को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वतंत्रता नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही रिवर राफ्टिंग कनोइंग नियमावली के संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक से पहले शहीद हमीर और शहीद मनदीप के साथ तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद कैबिनेट की बैठक की शुरुआत की गई। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। कोई संस्था या संगठन धर्म परिवर्तन का काम इस अधिनियम के निहित प्रावधानों के विरुद्ध जाकर के करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन को भी निरस्त करने का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। इसी प्रकार से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का भार, वो उस व्यक्ति पर होगा या उस संस्था पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। जो रिवर राफ्टिंग तथा कयाकिंग और कैनोइंग, इसकी नियमावली पूर्व में बनाई गई थी, उस नियमावली में कतिपय संशोधन करते हुए उसको और व्यवहारिक, आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको व्यवहारिक नियमावली को संशोधित करते हुए अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान की है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और अक्टूबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स मीट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता देंगे। साथ ही राज्य में विकास कार्यों की पोटली को आगे रखकर केंद्र सरकार से अधिक इमदाद देने की पुरजोर पैरवी करेंगे। अपने दिल्ली दौरे से पहले सीएम त्रिवेंद्र ने मंगलवार को अलग अलग महकमों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी और पीएम मोदी के सामने रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये बैठक काफी अहम हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां वो उन्हें इन्वेस्टर्स मीट में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने के लिए इन्वाइट करेंगे, साथ ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा मदद की मांग भी केंद्र से कर सकते हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। एनएच घोटाले में जांच के दायरे में आए आईएएस पंकज पांडे लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। पिछले 3 दिन से छुट्टी पर थे पंकज पांडे। एनएच 74 घोटाले में आईएएस पंकज पांडे का नाम सामने आया। घोटाले को लेकर पंकज से एसआईटी को पूछताछ करनी थी। वहीं इस मामले पर सीएम त्रिवेंद्र की का बयान भी सामने आया है। कहा है कि इस मामले में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छुट्टी की कोई सीमा होती है, उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। एसआईटी की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चल रही है। जैसे सभी ने सहयोग किया वैसे उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। तो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं पंकज पांडे। सीएम त्रिवेंद्र ने इस पर टिप्पणी दी है, बयान दिया है कि उन्हें जांच से घबराना नहीं चाहिए, जांच का सामना करना चाहिए, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर अंदरूनी घमासान थमा नहीं है। हालांकि पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की नाराजगी को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह कुंजवाल के विरोध के कारण ही जिला अध्यक्ष बदले गए हैं और वो अब इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो पार्टी फोरम पर चर्चा की जाएगी। गोविंद सिंह कुंजवाल जी से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, ना उन्होंने मुझसे कोई बात कही, लेकिन जिस फोरम पे उन्होंने बात कही तो निश्चित रूप से हम सब लोग बैठेंगे तो सही चीज सामने आएगी।
वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर के पतरामपुर क्षेत्र में लंबे समय से जिंदा मिसाइलों को दबाने के मामले में अब नया मोड़ आया है। अब सेना बरामद हुई इन जिंदा मिसाइलों को निष्क्रिय करेगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से आर्मी के सेंट्रल जोन को खत लिख सभी 555 मिसाइलों को निष्क्रिय करने की अपील की गई थी। अपील के बाद आर्मी ने सभी मिसाइलों को निष्क्रिय करने के लिए हामी भर दी है और इसे अगले महीने ट्रेन टीम के जरिए निष्क्रिय किया जाएगा। बता दें कि जसपुर में एसजी स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप को गलाते समय 21 दिसंबर 2004 को जबरदस्त विस्फोट के साथ मिसाइल फट गई थी, जिसमें एक मजदूर के चीथड़े उड़ गए थे। घटना के बाद जांच में पता चला कि मौत का यह सामान आईडीसी तुगलकाबाद से स्क्रैप की खेप के रूप में आया था। प्रशासन ने तब फैक्ट्री में 555 जिंदा छोटी मिसाइलें बरामद की थी। इसके बाद इनको पतरामपुर पुलिस चौकी के पास गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। 555 मिसाइलें जो दबी हुई है एक सुरक्षित स्थान पर अभी है। आर्मी की मदद से उत्तराखंड शासन की तरफ से एक लेटर आर्मी के सेंट्रल कमांड को गया है, जिससे उनका बम निरोधक दस्ता उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें एक कमेटी स्थापित की गई है। इसमें सारी फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी हो गई है। अगले मंथ हम उसका जो आर्मी की टीम आएगी, प्रशिक्षित टीम आएगी, उसके द्वारा इसका डिस्पोजल संभवतः किया जाएगा। कालाढूंगी में रामनगर वन प्रभाग के बरहेनी रेंज में वन विभाग की एसओजी टीम ने छापा मारकर अवैध तरीके से लेकर जा रही लकड़ी लेकर जा रही एक ट्रॉली बरामद की है। इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई लकड़ियों की कीमत लाखों में है। बरामद हुई लकड़ी शीशम और सागौन की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से सड़क मार्ग प्रभावित है। भारी बारिश और भूस्खलन से चारधाम यात्रा के संचालन पर असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों की कमी नहीं हो रही। बारिश के मौसम में पहाड़ों की छटा अलग ही होती है। शायद यही वजह है कि सैलानियों की भीड़ खिंची चली आ रही है। बारिश के मौसम में दून घाटी भी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। 100% देहरादून की खूबसूरती इतनी अच्छी है यार। अभी मैंने देखा कि यहाँ के वादियाँ देखो कितनी प्यारी लगती है, मैंने फोटो खींचे हुए हैं। ऐसा चीज़ आपको बॉम्बे में देखने नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे आकर जितने भी टूरिस्ट पैसे डालते हैं, वर्थ है। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ हर एक जन ने यहाँ आना चाहिए, बारिश के समय का मजा उठाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि यहाँ बाढ़ है या ऐसा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जल संरक्षण और वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी ओर इको टास्क फोर्स की तर्ज पर राजधानी देहरादून के स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मिलकर जूनियर टास्क फोर्स बनाकर पर्यावरण को बचाने में जुटे हैं। इस टास्क फोर्स में करीब 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हो चुके हैं। आपने इको टास्क फोर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने मसूरी की खत्म होती पहाड़ियों को फिर से हरा भरा कर दिया। अब उसी संकल्प से, उसी इको टास्क फोर्स से एक नया विचार सामने आया है, वो है जूनियर इको टास्क फोर्स। और जिन जूनियर टास्क फोर्स है ये बच्चे हैं, और केवल ये 7-8 लड़कियां ही नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड में लगभग जो देहरादून के स्कूल हैं वो 20,000 से ज़्यादा इससे जुड़ चुके हैं। और कोशिश ये है इको जूनियर टास्क फोर्स से सारे बच्चे, पहले देहरादून, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद देश, ये पूरे एक मुहिम बनाने की तैयारी है। बच्चों ये बताओ कि आप लोगों को कितना अच्छा लगता है कि आप पढ़ते हो कि पर्यावरण बचाना है, लेकिन आप लोग खुद उसका एक हिस्सा बन रहे हो। सर बहुत अच्छा लगता है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन्हें कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ओपन किया है। इससे लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर इतना इंकरेजमेंट आएगा कि वो पेड़ लगाने के लिए और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। वो कितने टाइम हो गया आपको जूनियर टास्क फोर्स से जुड़े हुए? सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, दिस मीन्स। तो मैं क्या सोचूं कि आप एक साल में कितना पेड़ लगा पाओगे इस बरसात से अगली बरसात तक? सर ये इसके अकॉर्डिंग तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, वो तो मेरे इसमें ही है। आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है जो आप सोचते हो कि बार बार आम फलदार या कुछ और दूसरे? सर मुझे फ्रूट्स वाले पेड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं और नेसेसरी थिंग्स तो आप सारे पेड़ से मिल जाती है हमें। आप ये बताओ कि जूनियर टास्क फोर्स क्या कर सकती है, आपके मन में कुछ है विचार कि आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ बात नहीं कि ये तो कहीं भी जा सकते हैं, जूनियर टास्क फोर्स है तो हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। बच्चों के मन में होना चाहिए कि वो अपने मतलब शहर को कैसे बनाना चाहते हैं, स्वच्छ बनाना चाहते हैं। क्या खराब लग रहा है अपने इन्वायरमेंट में, क्या आपको
लगता है कि बहुत चिंताजनक बातें हैं। जैसे सर ये कचरा वचरा रहता है तो वो डस्टबिन में नहीं डालते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो वो हमें ऐसे कचरे में डब्बे में डालना चाहिए, इसलिए जैसे कि अभी गाड़ियाँ आती है स्वच्छ अभियान के, उसमें डालना चाहिए। आपके घर में हो ऐसा तो आपके मम्मी पापा बड़े भाई करे तो मैं तो टोकूंगी उन्हें ऑब्वियसली कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उनको भी वही करना चाहिए जैसे हम करेंगे। टास्क फोर्स से कुछ ये बताइए, आपके मन में क्या ख्याल है कि आप और भी जो आपके साथ के सहयोगी होंगे फ्रेंड, उनको भी जोड़ोगे जूनियर टास्क फोर्स से? यस, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम निकली है कि और मतलब इससे एक वो स्वच्छ भारत का वो जो चल रहा है वो भी अच्छा है कि इससे मतलब लोग कचरा कम करेंगे। और पेड़ वगैरह जो लगाने की बात करी वो बहुत अच्छा है, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा हरियाली भी होगी, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा हरियाली होगी। और जूनियर टास्क फोर्स इसी मकसद से बनाई गई है, एक अलग कॉन्सेप्ट है जिस पर तमाम स्कूली बच्चों को जोड़ा जा रहा है और उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, और बच्चे देखिए कितने उत्साह के साथ उससे जुड़ भी रहे हैं। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, भोगपुर गांव, देहरादून। वो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए कोटद्वार के शिवपुर के निवासी मनदीप सिंह रावत शहीद हो गए। एलओसी पारकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को नाकाम करने वाली टीम का हिस्सा रहे मनदीप सिंह, 36 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। बेटे की शहादत की खबर के बाद उनके पैतृक घर में गम का माहौल है। शहीद मनदीप सिंह के माता पिता बेहद सदमे में हैं और उनके घर दिलासा देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार में गम का माहौल है, सांत्वना देने के लिए आने वालों की भीड़ लगी हुई है और हर कोई यही कह रहा है कि बेटा भले ही चला गया है लेकिन देश के लिए वो शहीद हुआ है, इसलिए शहादत पर गर्व है। तो माता पिता बेहद सदमे में हैं, गम का माहौल। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां कुछ ही देर में शहीदों का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को शहीदों के पैतृक घर तक ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में शहीदों के पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए कोटद्वार के शिवपुर के मनदीप सिंह रावत भी, यहां जवान मनदीप सिंह रावत भी शहीद हुए थे। ऋषिकेश के भी एक जवान शहीद हुए थे, ऋषिकेश और कोटद्वार, और दोनों के ही शहीदों का जो पार्थिव शरीर है पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव तक, पैतृक घर तक पहुंचाया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रद्धांजलि भी देंगे। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 4 जवान शहीद हो गए थे, ऋषिकेश और कोटद्वार के जवान शहीद हुए थे इस मुठभेड़ के दौरान, और पार्थिव शरीर, शहीद जवानों के पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां से पूरे सम्मान के साथ, पूरे सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव शरीरों को पैतृक जवानों के पैतृक घर तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पार्थिव शरीर, जवानों के पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 4 जवान शहीद हो गए थे जिनमें ऋषिकेश और कोटद्वार के जवान भी शामिल थे, और अब जहां पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीरों को पैतृक घर तक पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद जो आखिरी दर्शन के रखने के बाद अंतिम विदाई का कार्यक्रम शुरू होगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जवानों के घरों में मातम पसरा हुआ है, बेसब्री से पार्थिव शरीर के आने का इंतजार हो रहा है आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें आखिरी बार विदा करने के लिए। और जहां एक तरफ परिवारों को दुख है इस बात का कि बेटा शहीद हुआ है, तो
वहीं दूसरी तरफ गर्व भी है कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। जी मीडिया संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, कितनी देर और है पार्थिव शरीरों के पहुंचने में? जी आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा मौसम का जो हाल है, अभी थोड़ा सा बारिश होने की संभावना बनी है जिसके चलते थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं। अभी समय का जो एग्जैक्ट आइडिया है वो नहीं लग पा रहा है, लेकिन दोनों शव यहाँ पहुंचेंगे और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर आकर उनको सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देंगे और इसकी पूरी तैयारी जो है एयरपोर्ट पे हो चुकी है। अब कुछ देर में इंतजार है, जैसे ही सैनिकों के सब यहाँ पहुंचते हैं तो सम्मान सहित उनकी पहले मुख्यमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद उनको उनके गाँव के लिए रवाना किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, और क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा मोमेंट है जिसमें परिवार वाले जहां एक तरफ बहुत दुखी हैं, सदमे में हैं कि बेटा शहीद हो गया है, तो वही दूसरी तरफ इस बात का फक्र भी है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है इन जवानों ने। जी बिल्कुल, जैसे कल हम शहीद परिवार में जैसे ये सूचना पहुंची थी तो पूरा माहौल जो था वो एकदम गमगीन हो गया था, पूरे गांव का गांव, क्योंकि इससे पहले भी एक जो कश्मीर में ही शहीद हुए थे वो भी इसी गांव के रहने वाले थे, तो एक पूरा जो शहर में है एक पूरा सैनिकों के प्रति जो एक आस्था है वो बनी हुई है और पूरे परिवार भी जो है वो एक बार आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ चाहता है, और एक जो माहौल था उसमें अजय भट्ट भी आए थे, विधानसभा के अध्यक्ष जो है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी घर वालों को जाकर संतावना दी थी। उनके घर वाले बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे जो परिवार के और सदस्य भी सेना में है वो डटकर आतंकवादियों का मुकाबला करें और एक जो मिसाल है उत्तराखंड के जवानों की वो कायम रहे। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आशीष। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।